लालबाग के राजा की शाही सवारी जब निकलती है तो पूरी मुंबई थम जाती है। इस शाही सवारी के दौरान क्या क्या होगा वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले इस आस्था के जनसागर को देखिए, जो पूरी मुंबई के अलग अलग इलाकों से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की वजह से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से लालबाग के पंडाल से निकलने के बाद 9:30 बजे आरती होगी, उसके बाद जब ये सवारी यहाँ से निकलेगी तब मुख्य सड़क से होते हुए बाहर जाएंगे, उसके बाद भारत माता का सिग्नल है वहां से गुजरते हुए धीरे धीरे मुंबई के अलग अलग इलाकों से बापा की सवारी निकलेगी और गिरगांव चौपाटी में बापा का विसर्जन होगा। तो इस विसर्जन के दौरान जहां जहां से बापा की सवारी निकलेगी उस दौरान जो श्रद्धालु है जो मन्नतों के साथ बापा को देखना चाहते वो कतार में दोनों तरफ खड़े रहते हैं और अभी इन श्रद्धालुओं से बात कर जानने की कोशिश करते कि उनके मन में क्या, आप बताइए मुझे जरा। 11 दिन का समय लगातार पूजा अर्चना कर रहे थे लेकिन अब वो भाव घड़ी आ गई। बेशक वो भाव घड़ी है अभी, ये 11 दिन बापा की सेवा में पूरी मुंबई जुड़ी हुई थी और आज का दिन जैसे कि हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है, दुखी का दिन है कि बापा 11 दिन के बाद जा रहे हैं। हम तो ऐसा चाहते हैं कि बापा साल साल भर हमारे साथ ही रहे, बट आप जितने भी अभी सफेद लोग देख रहे हैं जैसे ही बापा आरती के बाद बाहर निकलेंगे सभी लोग लाल हो जाएंगे कि हम बापा को गुलाल से उड़ाते हुए बापा को बाहर ले जाएंगे, राजा की सवारी बाहर निकलेगी। ऐसे दादा आप क्या कहेंगे, 11 दिनों तक पूजा अर्चना की, अब वो क्षण करीब आ गया है जब बापा को विदाई देनी है। अभी क्या बोले, मतलब अच्छा लगेगा मतलब, पर बुरा भी लगता है उतना कि 11 दिन का वो महोत्सव रहता है, खुशी का भी रहता है उतना ही दुख का रहता है जब जाते हैं पापा। बस आप तो क्या कह रहे दादा, आप भी आज सुबह से इंतजार कर रहे हैं आप पापा के जाने? नहीं, आज का दिन हमारे लिए खुशी का भी है, दुख का भी है, पापा का विसर्जन भी है। इतना 10 दिन हमने शान से एंजॉय किया और आज विसर्जन है तो खुशी भी है, इमोशंस भी है, दोनों मिक्स है, खुशी भी है, इमोशंस भी है। कुछ और श्रद्धालु उनसे बात करिए, आप बताइए जरा, आज जब बापा की सवारी निकलेगी तो हजारों की संख्या में हम देख रहे हैं श्रद्धालु बाहर भी इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालु बाहर भी इंतजार कर रहे हैं बराबर है, लेकिन अंदर दुख भी है कि बापा जा रहे करके 11 बजे, लेकिन उतने खुशी भी है कि बापा अपने घर जा रहे करके, उसी उत्साह के साथ उसी जोश के साथ सब एक साथ बाहर निकलेंगे बापा के साथ। थोड़ी खुशी भी है, थोड़ा दुख भी आई, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, आज जो है बापा की विदाई हो रही है क्या मन में भावनाएं हैं? बहुत दुख हो रहा है, अभी गणपति जा रहे हैं, ऐसे लगा ही नहीं 10 दिन कभी चले गए, अभी सेलिब्रेट कर रहे सब लोग, देख लो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे गुलाल जो है वो उड़ाया जा रहा है। आप बताइए जरा, आज आप सभी के लिए बड़ा दिन है, बापा की सेवा की और अब वो क्षण आ गया है जब आपको विदाई देनी है बापा को। ये बापा का विदाई नहीं है, बापा तो 365 दिन हमारे दिल में रहते है, ये 10 दिन का उत्सव है, लोगों के साथ मनाना है और इस धूमधाम से बप्पा का विसर्जन आज होगा, बट ये सालों साल कारवा चलता रहेगा, कारवा चलता रहेगा, सालों साल बापा की विदाई होती है। आइए आप बताए, आप भी सुबह से इंतजार कर रहे हैं, जो अब तक सभी सफेद कपड़े पहने थे अब धीरे धीरे गुलाल के रंग में रंगते जा रहे हैं। अभी थोड़े टाइम में अभी विसर्जन के लिए मेरुनक चालू होगी, सब गुलाल खेलते है और यही आनंद है, 11 दिन जो सेवा की है जो मजा आ रहा है अभी आनंद होगा। तो देखिए यहाँ श्रद्धालु है कुछ इतने भावुक है कि वो फिलहाल कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन अब यहाँ पर जो है गुलाल उड़ना जो है वो शुरू हो चुका और इसके साथ अब से कुछ ही पलों में बापा की सवारी जो है वो यहाँ से निकलेगी गिरगांव चौपाटी की ओर। गणपति बापा के विसर्जन की भावुक घड़ी करीब आ चुकी है। इस वक्त हमें मुंबई के लालबाग के राजा गणेश पंडाल में और यहाँ बापा की विदाई की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। अब से कुछ देर बाद यहाँ से गणपति बापा के विसर्जन की यात्रा जो है शाही सवारी निकलने वाली है लालबाग के राजा के इस नयन रम्य मनमोहक मूर्ति के। आखिरी बार दर्शन कर लीजिए क्योंकि इसके दर्शन के लिए फिर एक बार आपको करीब 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा और यहाँ पर विसर्जन का जो क्षण है वो बेहद करीब आ चुका है। जिस रथ पर सवार होकर बापा की शाही सवारी निकलने वाली है उसे भी सजाया गया है, साथ ही में श्रद्धालुओं की भीड़ को भी मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अरुण आपको दिखाए। पूरी मुंबई से अलग अलग इलाकों से श्रद्धालु जो है वो गणेश पंडाल में पहुंचे हैं ताकि बापा को आखिरी विदाई दे सके और चूंकि शाही सवारी निकलेगी इसीलिए महाराष्ट्र की परंपरा के अनुसार यहाँ पर एक
भव्य रंगोली निकाली गई और इसी रास्ते से होते हुए लालबाग के राजा जो है वो बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर देखिए मुख्य सड़क तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ आपको श्रद्धालु ही दिखाई देंगे, साथ ही में ऐसे बड़े बड़े हार जो है वो बापा की जब सवारी निकलेगी तब उन्हें पहनाए जाएंगे। तो लाइन से कई सारे हार जो है इस इलाके में रहने वाले लोग है वो अपने साथ लेकर आए हैं, इंतजार करें कि जैसे ही बापा की सवारी यहाँ से निकलेगी तो ये जो हार है वो बापा को पहनाया जाएगा। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक ये जो 11 दिन है वो कैसे बीत गए इसका पता ही नहीं चला। बापा की सेवा में, बापा की पूजा आराधना में भक्ति भाव के साथ ये पूरा गणेश उत्सव का त्योहार मनाया गया। और अब जब बापा जाने वाले हैं तो हर किसी की आंखें नम है, लेकिन चूंकि ये परंपरा है बापा जाते हैं आते हैं फिर उनका विसर्जन होता है, तो ऐसे में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं वो अपनी तरफ से एक ही मन्नत प्रार्थना कर रहे हैं कि विघ्नहर्ता जो है इस पूरे विश्व के विघ्न को हर ले, साथ ही में सुख समृद्धि जो है वो तमाम श्रद्धालुओं के घर पर अर्पण करे, साथ ही में देश का विकास हो, यही कामना जो है वो तमाम श्रद्धालु कर रहे हैं। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।